हेलो दोस्तों, कुछ टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। झटपट बनने वाले छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आए हैं। ये आप इसे 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। ये हमने एक कटोरी छोले ले लिए थे, इन्हें ओवरनाइट फुला दिया है, अच्छे से ये फूल गए हैं और इतने आसान तरह से आपको बताएंगे इसे आप झटपट बनाएं। और ये हमने छोले कुकर में डाल दिए हैं और इसमें हमने पानी डाल दिया है 1 गिलास लगा। और इसमें हम प्याज पीसेंगे नहीं, मसाला इसका अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में ही डाल देते हैं। और ये हमने प्याज लहसुन टमाटर अदरक और हरी मिर्च इसी में साबुत ही डाल दिए। और तेज पत्ते कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, लौंग और काली मिर्च और काली वाली इलायची है इसमें, ये हम डाल देते हैं। और इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे एक बार। इस तरह से आप छोले जरूर बनाकर ट्राई करें और झटपट बन जाते हैं। आप इसे छोलों को 5 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। और ये हमारे छोले उबलना है, जब तक ये हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हमने जीरा और हींग डाल दिए और कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें हम अमचूर पाउडर ज़रूर डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया और धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और इन मसाला हमारा अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से बन गया। 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसमें ये ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला बन गया है। और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और छोले को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं और चेक कर लेते हैं ये हमारे छोले गले हैं या नहीं। हमने इसमें खाना सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है। और ये देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं और इसे हम इसी में कुकर में मैश कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे छोले उबल गए हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आप झटपट बनाकर खा सकते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक किया करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली में और दोस्तों के साथ। और ये हमने एक फ्राई पैन में 1 गिलास में 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें हमने 1 चम्मच चाय का पानी बना लिया है। और इसमें ये हमने कुकर में छोले लिए थे उसमें ये हम पानी को डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से छोले आपको रखने हैं ठीक है, उस तरह से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमने मसाले बनाकर रखा था वो इसमें हम डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें ये फ्राई पैन में मसाला था वो इसमें हमने इस तरह से निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक बार और हम इसमें एक सीटी और लगा लेते हैं। आप इसे खुल कर भी पका सकते हैं। और ये हम कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए गैस पे और इसे चेक कर लेते हैं दोबारा। और हमारे छोले ये झटपट बनने वाले तैयार हैं। और ये देखिए अच्छे से हमारे छोले बन गए हैं, है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। और ये देखिए इसमें कुछ हम और मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि गरम मसाला 1/2 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसमें छोले मसाला 1 चम्मच डाला है और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, हरी धनिया की पत्ती डाली है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम एक बाउल में छोले को निकाल लेते हैं। और ये छोले हमारे बन गए हैं। और ये हमने मैदा ले लिया, 1 कटोरी मैदा ले लिया और झटपट बनने वाले ये भटूरे की रेसिपी है। और इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इनो बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, नहीं दही वगैरह। और ये देखिए हमने सादा इसे नॉर्मल पानी से ही मैदे को गूंदना है। और ये देखिए मैदे का हमने डो लगा लिया, इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। और इधर ये हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने, इसमें ऑयल रख देते हैं गर्म होने। और ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जानी चाहिए तभी हम इसके भटूरे अच्छे से बनेंगे। और इधर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इधर हम एक बार और मैदे को मल लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और इसे हम अच्छे से मल लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। और ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं, जिस तरह से छोटे बड़े उस तरह से बनाने हैं और पतले ही बनाए, ज़्यादा मोटे नहीं बनाए। और ये देखिए अच्छे से हमने छोटा सा डो ले लिया है और
तरह से हम पतला सा बेल लेते हैं। और भी हमारे चैनल पर कई सारी रेसिपी पड़ी हैं नाश्ते की, लंच की भी, आप उन्हें देख सकते हैं। और इधर देखिए हमारा भटूरा बन गया है, इधर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसे तेज ऑयल हो तभी बनाएं, नहीं तो हमारे भटूरे अच्छे से नहीं फूलेंगे। और ये देखिए हल्के से दबाते रहें, इसे ऑयल इसके ऊपर जाता रहे और ये हमारा देखिए भटूरा अच्छे से फूला है। इसे पलटते हैं तो और अच्छे से फूलेगा, कितने अच्छे से हमारा भटूरा फूला है। और इसी तरह से हम इसे पलट के सेक लेते हैं। और हमारी ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारे ये भटूरे और छोले की रेसिपी आपको कैसी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये हमारे झटपट बनने वाले छोले भटूरे बनके तैयार हैं, उसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमने छोले भटूरे की थाली लगा ली है। हमारी रेसिपी छोले भटूरे की अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं।